नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम थे श्रीनगर और आज हम बढ़ रहे हैं श्रीनगर से खिरसू की तरफ, जहां किसी एप्रोप्रिएट ग्राउंड को ढूंढकर हम आज का कैंप करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज हमें एक बेहतरीन कैंपिंग लोकेशन कहाँ मिलती है। सो अभी हम अपने ओवरहेड में पानी फिल कर रहे हैं, रिफिल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए सर, देखिए। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि हम कोशिश करते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ते वक्त अपने ओवरहेड टैंक को खाली रखें, क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अलग प्रकार की होती है और साथ ही गाड़ी पे बेवजह वजन डालने का भी कोई औचित्य नहीं होता है। सो व्हाट वी डू इज, जब हमें कैंपिंग ग्राउंड के नज़दीक हम पहुँचने वाले होते हैं, उससे पहले जो भी वाटर रिसोर्स हमें मिलता है वहाँ से अपने ओवरहेड को फिल कर लेते हैं। मतलब मैं यहाँ लेता हूँ, तो आपकी जहाँ खड़ी हुई थी ना, यूट्यूबर हैं वैसे, वैन लाइफर हैं, मतलब इसी गाड़ी में रहते हैं हम लोग, घर है पूरा। हाँ, मैं इधर इधर चढ़ा देता हूँ। तो लेकर पहाड़ों पे जो दूसरा बड़ा कंसर्न मैंने फेस किया वो है कि भाई, जहाँ पर रास्ते बहुत पतले होते हैं, मतलब सड़कें बहुत पतली होती हैं, वहाँ पर जब दो बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं तो बहुत ही नियोजन करके फिर एक दूसरे को रास्ता दे के निकलना होता है। सो ऐसा ही हमने किया। ये एक एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी और जहाँ हमारी गाड़ी अभी खड़ी हुई थी वहाँ तो ये नहीं ही निकल सकती थी। सो हमने अपनी गाड़ी को साइड किया और फिर ये एम्बुलेंस यहाँ से निकल पाई। सो अभी प्लान में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली जो गांव था वहां पर कोई बहुत एप्रोप्रिएट जगह नहीं थी जहां पर गाड़ी लगा के रुका जा सके। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स खिरसू और जो भी हमें ठीक ठाक जगह मिलेगी रास्ते में वहां पर अपनी अपनी गाड़ी को होल्ड लेंगे और वहां नाइट होल्ड लेंगे। सो फाइनली मिया, वी आर मूविंग टुवर्ड्स खिरसू। ये मैदान अच्छा है सर, ये एकदम फ्लैट भी लग रहा है और यहाँ से गाड़ी भी मेरे ख्याल से चली जाएगी। तो ये सर एक बार बस देखिएगा, यहाँ से हमारी गाड़ी, मेरे ख्याल से ये फ्रंट वाला पहिया है ना, ये इस पक्के के ऊपर, इस पक्के के ऊपर से आ जाए तो ये आ जाएगा, तो पीछे वाला पहिया उधर से निकल जाएगा, है ना। तो मैं ले पत्थर पर आना चाहिए, इधर से लेकर नहीं 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 इधर इधर से लूँगा। मैं बस सर यहाँ पर देख रहा हूँ थोड़ा सा ना ग्राउंड हार्ड हो, बस ये गाड़ी बैठे ना। आई थिंक हार्ड तो है पूरा, प्रॉपर है। तो व्यू आपको क्या लगता है, मतलब ये वाला लेना चाहिए पौड़ी साइड वाला? नाइट साइड में तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो कैंपिंग जब इस साइड से करेंगे ना, हाँ, तो थोड़ा सा वो नाइट में लाइट जलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये घुमा के ऐसे यहाँ ले लेता हूँ मैं, ऐसे कर लीजिए ताकि दरवाजा उधर रहेगा और फिर बाकी एक ऐसे गाड़ी लगा लेंगे। एक करेक्ट करेक्ट, दोनों ठीक है। ये एरिया में अपना वर्किंग एरिया वर्किंग आ जाए, तो मैं ऐसे घुमा के इधर लगाता हूँ। अपन सर, हाँ ये गाड़ी ठीक है, अपन ये देखें टेंट कहाँ लगाना है अपने को, तो उस हिसाब से इस गाड़ी को खड़ी करें कि एक साइड से अपने को उस पे वो शेड मिल जाए। अगर टेंट यहीं लगाना है तो बस ठीक है ना। हाँ हाँ, तो ठीक है सर, बस गाड़ी आपकी ठीक है। सो फाइनली हम ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं, बस धूप निकल चुकी है यार बहुत ही अच्छी, इसलिए अम्ब्रेला खोल लेना ही ठीक होगा। वाह वाह वाह, और इस अम्ब्रेला का बहुत फ़ायदा, ये हमने देहरादून कैंपिंग के समय लिया और स्टैंड के साथ इतना बढ़िया काम करता है ये, समथिंग अमेजिंग। तो चलिए मैं अभी घर गाड़ी की छत पे आया हूँ, ये देखिए, और वापस चलता हूँ नीचे और थोड़ा सा और सेटअप करते हैं। सो फिलहाल सबसे पहले बन रही है हमारी पेंट्री में चाय, और यार बारिश का मौसम हो और चाय मिल जाए। देखिए अभी हमको तार्प भी लगाना पड़ा है क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। सो बस चाय बन जाए, इसमें उबाल आ जाए और बारिश के मौसम में मज़ा लेते हैं एकदम गर्मा गर्म चाय का। तो सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं,
उधर बन रही है चाय, तो इधर मेरे ख्याल से जो एयर मैट्रेस होता है उसमें भरी जा रही है हवा। क्या बात है, कैंपिंग की चाय। आज आप हमारे घर मैं लेता हूँ, आप बाकी बताइए। तो चलिए जी, फिलहाल बारिश होना शुरू हो चुकी थी और अब जाके बारिश रुकी है। देखिए सब कुछ गीला हो चुका है इधर, और बारिश का आनंद लेने के लिए फिलहाल बनाए जा रहे हैं भुट्टे, सेके हैं, मतलब सेके जा रहे हैं भुट्टे, तो बने बनाए हैं। भुट्टा सेकना है, भुट्टा सेको जी। तो ये देखिए एकदम चटपट चटपट भुट्टे सेक रहे हैं, और बरसात के मौसम में तो भुट्टे का क्या आनंद होता है। सात साल में तुम्हें नहीं सिखाया, तुम सात साल तो जो ये बरसात में खा रहे हैं हम भुट्टे, और बरसात में इतने अच्छे लगते हैं भुट्टे, साथ में हरी मिर्च, नींबू हमारे पास है नहीं तो जो मिला उससे काम चला रहे हैं। नमक और घी। मौसम इतना अच्छा है इसलिए इनका मजा और मल्टीप्लाई हो गया, और वो भी नमक और घी से और मिर्च। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सो अभी लगा रहे हैं 8x8x8 का टेंट। ये डीकैथ का एक बहुत ही अच्छा टेंट है, आरपेंस बेस एम, और एक पूरा रूम बन जाता है। तो फिलहाल सात्विक जी निकालेंगे टेंट। सात्विक उसी पे निकालिए ना। यस, इसके ऊपर ही निकालिए, उसके ऊपर ही निकालिए। आप उसको पकड़िए, वो बना। जगह है, बहुत सारे विंडोज हैं। एक सबसे बड़ी विंडो आती है जिसमें आप व्यू की तरफ लगा सकते हैं। इसमें आपका किचन, बेड, सब कुछ बन सकता है। तो चलिए फिलहाल अभी मैट्रेस में भरी जा रही है हवा, मतलब अब बारिश आ गई थी तो वापस हवा निकाली थी इसकी, और ये तैयारी हो रही है रात की। बाहर देखिए भाई, यहाँ माता जी और भाभी जी काट रही हैं आज के लिए सब्जी, भिंडी, और इधर बन रही है हमारी हांडी की दाल। अरे वाह वाह वाह, पीतल के बर्तन में। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है रूप ब्लॉगर्स, उन्होंने हमें ये पीतल की हांडी गिफ्ट करी थी, तो उसी में हम बना रहे हैं आज ये दाल। वो अगर देख रहे हो तो ज़रूर हम उनको बताना चाहेंगे कि देखिए आपके दिए हुए तोहफे का हम एकदम बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं। और यार उन्होंने इतने सारे फ़ायदे बताए हमें खुले में, जो हम दाल पकाते हैं, मतलब दाल घुटती है जो धीरे धीरे, तो इसमें पकती है और कुकर में घुटती है, तो पकी हुई दाल खानी चाहिए, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो वी आर फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स, और बस इधर मौज मस्ती। ओहो, अरे अरे सर मार ही डालोगे, मतलब इधर से दिखाएं। और देखिए यार इस जगह की खूबसूरती को एक बार फिर से, सामने अभी हो रहा है सनसेट, एकदम गोल्डन ग्रास आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जगह हम थोड़ा सा और पैन करेंगे तो देखिए ये हैं हमारी व्हीकल्स, हमारी कैंपर्स, और इधर चल रहा है राजीव जी का फोटो शूट। क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया मतलब। सो फाइनली देखिए हमारी रात की तैयारी, भिंडी की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी। यार मैं शूट ही नहीं कर पाया, और इन्होंने हम क्या फोटोग्राफ्स लेने में रह गए, और ये भिंडी रेडी, अब बन रहे बैगन। सो देखिए बन रही है बैगन की भाजी, और शायद ये डीप फ्राई होने वाले भाभी।
क्या बात है, डीप फ्राई होंगे ये बैंगन, इसमें डल रहा है नमक और यार ये रंग ही इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो क्या लाजवाब होने वाली है ये। कैंपिंग में ऐसा ना फुल फ्लेजेड खाना मिल जाए तो बस क्या कहने, बस आप जैसे लोग साथ में चलते जाए और देखिए इतना बढ़िया खाना मिलता जाएगा। बोली नहीं, नो रिएक्शन। अच्छा मैं अच्छा आप देख रहे थे कि वो कम बैगन दे रही है तो बस अच्छा आपको यही कहूं कि एक पानी और ठोके दीजिएगा मतलब इसमें से निकाल के। अब आपको समझ में आया कि ये मैं सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप ही को दे रहा था। घोड़ा दाल खाता है। घोड़ा मिर्ची भी खाता है। हाँ, चना भी खाता है। चना खाता है ये लिखता हूँ। घोड़ा खाता है। तो हमारा भोजन हो चुका है रेडी और सात्विक जी अब भोजन ग्रहण करेंगे। चलिए क्या क्या है सात्विक जी? अरे वाह, दो भिंडी की सब्जी। और ये देखिए ये वाली प्लेट इतनी अच्छी होती है क्योंकि इसमें सब बहुत ही आराम से, कोई कटोरी की जरूरत नहीं है। क्या खा, क्या भोजन है सात्विक जी, मजा आ गया। ब्रह्मार परम ब्रह्मवर ब्रह्मार गणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिनाम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। टूट पड़ेंगे भोजन पे, टूट पड़ो। तो इस प्रकार हमारा आज का दिन यहाँ पूर्ण हुआ। कल की सुबह इस स्थान पे कैसे हुई देखिए। तो देखिए हमारी आज की सुबह कितनी हसीन हुई है, एकदम बादल छाए हुए हैं चारों तरफ और रात को बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई थी। बादल देखिए, जो पीछे पौड़ी के पहाड़ दिख रहे थे वो एकदम इनविजिबल हैं, उसकी जगह आपको पहाड़ों से अटखेलियाँ करते हुए बादल दिख रहे हैं अब। और यहाँ पर भी अभी ऑलमोस्ट कोहरा जैसा छाया हुआ है, मतलब ये कोहरा तो नहीं है, हैं तो ये बादल ही। सो बस इतनी अच्छी सुबह, इतने अच्छे स्थान पे, इतने अच्छे लोगों के साथ हो तो क्या कहने। सुबह सुबह जो फ्रेशनेस यहाँ पर है बहुत ही लाजवाब। क्या बात है। तो चलिए जी, दिन हो चुका है और देखिए बज रहे हैं 12:30 लगभग, मतलब 12:15 और हमारा वाइंड अप शुरू हो चुका है। बहुत अधिक हमने आज का इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि कल ही आपको ये लोकेशन दिखाई थी। सो सात्विक जी कर रहे हैं हमारा बेस आरपेंस आरपेंस को पैक, ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। उधर चलते हैं, आगे दिखाते हैं हमारा भोजन आज का। यहाँ चल रहा है भोजन और आज बने हैं दाल चावल और चोखा, बिहारी चोखा। क्या बात है, वाह। तो इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं और इधर अंदर अवनी मैडम का देखा जा रहा है टीवी। क्यों मैडम, सब काम करा रहे हैं सिर्फ आप ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो चलिए मित्रों, इस सुंदर जगह से, बेहद खूबसूरत स्थान से हम ले रहे हैं विदा और बहुत अच्छा लगा यहाँ एक दिन बिता के। कल शाम को हमने दिखाया था कितनी खूबसूरत जगह है ये श्रीनगर के पास। तो फिलहाल हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है और ये देखिए ऐसे छोटे छोटे सामान बाहर छूट जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हम चलने के लिए तैयार हैं और बढ़ रहे हैं आगे खिरसू के लिए। सो मैं जाता हूँ गाड़ी के अंदर, बस एक ही कंसर्न है कि यहाँ पर गाड़ी स्लिप नहीं करनी चाहिए। तो गाड़ी को पहले पीछे लेता हूँ और फिर बाहर निकाल के चलते हैं खिरसू।
सो एट लास्ट हमारी कैंपरवैन बहुत ही सहज रूप से यहाँ से निकल गई और इस बेहद खूबसूरत स्थान को हम कह रहे हैं अलविदा आगे बढ़ने के लिए। तो जीवन बस यही है, चलते जाना, बढ़ते जाना, आनंद के दो पल बिताना, नई मंजिलें, नए राही, नया सफ़र। तो अगले व्लॉग में आपसे शीघ्र होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, जल्द मिलेंगे। नमस्कार।